Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए मशहूर खरगोन में एक बार फिर मामा का बुलडोजर चला है। एक बार फिर यहां पर 39 दुकानों को मामा के पीले पंजे से जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। इस अधिग्रहण में एक सरपंच के अवैध कब्जे वाली दुकानें भी थी जो सरकारी स्कूल की जमीन पर बनाई गई थी। जैसे ही प्रशासन ने दुकानों को जमींदोज करना शुरू किया तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीएम की माने तो इस जमीन की कीमत तकरीबन 17 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की है। महोदय की टीएल लगी हुई थी, उसमें स्थानीय सीओ, पंचायत और तहसीलदार के द्वारा कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था और उनका विधि अनुसार उसका डिस्पोज करने का था और उसी के संदर्भ में लगातार विधिवत सूचना और विधि अनुसार उसको हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत आज कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। कितने इसमें सर कीमत की सर जमीन मुक्त करेगी? कुल इसमें 39 व्यावसायिक परिसर हैं और दूसरी चीजें हैं। कुल तहसीलदार की देख अनुसार बाजारी मूल्य 17,14,44,000 रुपये है। स्कूल की बाउंड्री भी थी सर उसमें? उसकी स्कूल की बाउंड्री से लगे हुए पूरा क्षेत्र फ्री कर दिया गया है, मतलब जहाँ जहाँ भी बालिकाओं शिक्षा संबंधित है दरअसल ये अतिक्रमण खरगोन के गोगवा इलाके में हुआ था। ये सभी दुकानें सरकारी स्कूल की जमीन पर सालों से बनी हुई थी। यहाँ तक कि महिला सरपंच रेशमा बाई के पति ने भी लंबे समय से सरकारी स्कूल के पास की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से शिकायत भी कर चुके थे लेकिन भूमाफियाओं के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार भूमाफिया मामा के बुलडोजर से बच नहीं पाए। खरगोन से उमेश रिवलिया की रिपोर्ट, एमपी तक।